समझ तो गया होगा। अरे अरे, इस तब्दीली में हम एक साहब को तो भूल ही गए, अपने शहरयार आफरीदी साहब। आए भैया, आजकल क्या हो रहा है? हाँ, हमें पता ही ये चला है कि जनाब की जब वजारत तब्दील की गई और इन्हें नई वजारत मिली, तो ये अपने ऑफिस जब पहुंचे, सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, ये उसे देख के हाथ हिलाने लग गए। दो चार लोगों को वहीं पर मुअत्तल भी कर दिया, फारिग भी कर दिया। चार पांच लोगों को इन्होंने इतना 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 जलील कर दिया कि वो बेचारे एहसास कमतरी में आके खुदकुशी करने चले गए। ये सब कुछ होने के बाद ये शख्स अपनी सीट पे जाके बैठा है। बहरहाल, ये बात नहीं थी आपके बारे में जिक्र करने की, बात सिर्फ इतनी थी सर, वो जो ईरानी प्रेसिडेंट थे रफसंजानी साहब, उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था सर, मिल जाएगा? मेरे दादा भी जो हैं वो गुजरे, उनका काफ़ी वक्त हो गया, दादा से बात करनी थी। अब्बू का बड़ा दिल करता है सर, अभी पीछे शहरात भी गुजरी है ना, तो बड़ा मिस कर रहे थे दादा को। तो रफसंजानी साहब के पास तो फ़ोन है, उन्हें फ़ोन कर लेंगे हम, उनसे दादा को कह देंगे जी दादा से बात करा दें ज़रा सी, अगर प्लीज़ मिल जाए।